We have a 2-day rest, 4th and 5th, and on 6th morning, we will resume the Bharat Jodo Yatra, and the Congress President is expected to join it for a short while at 8:30 in the morning. कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। उस समय ये पदयात्रा कर्नाटक में होगी। सोनिया गांधी के बेटे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करेंगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सोनिया गांधी 6 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। इसके पहले 4 और 5 अक्टूबर को दशहरा की वजह से भारत जोड़ो यात्रा में विश्राम के दिन हैं। मैंने कहा कांग्रेस अध्यक्ष 6 तारीख को सुबह 8:30 बजे मंड्या जिले में शामिल होंगे। It's not surprising. The politics of vendetta continues, and every effort will be made by the Modi government, by the Bombay government, which is a puppet government, to derail and disrupt the Bharat Jodo Yatra. But we are not going to be derailed, we are not going to be disrupted, we will continue. And today, by the end of the day today, the 3rd of October, we would have completed 66 kilometers in Karnataka, walking. We would have walked, the distance covered is more, but the actual walking is 66 kilometers by the end of the day today. Tomorrow and day after are rest days because of Dasara, and we happen to be in the district which is the home of Dasara celebrations. So we have a 2-day rest, 4th and 5th, and on 6th morning, we will resume the Bharat Jodo Yatra, and the Congress President is expected to join it for a short while at 8:30 in the morning. फिलहाल ये यात्रा कर्नाटक में है, जहां उसे कुल 21 दिन चलना है। भारत जोड़ो यात्रा इस दौरान 7 जिलों से गुजरेगी और 511 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसमें शामिल लोग रोजाना औसतन 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने मैसूर में मस्जिद ए आजम, सेंट फिलोमेना चर्च और शुतुरमठ पहुंचे और तीनों धर्मों के प्रमुखों से आशीर्वाद लिया। शुतुरमठ में राहुल गांधी ने श्री शिवरात्रि देशी केंद्र स्वामी जी से मुलाकात की। मैसूर में धर्मस्थलों के दौरे के वक्त राहुल गांधी के साथ कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इनमें पूर्व CM सिद्धारमैया, कांग्रेस नेता DK शिवकुमार शामिल थे। इससे पहले ये तमिलनाडु और केरल में सघन रूप से भ्रमण कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई है और तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, निलंबूर, मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, विकाराबाद, नादेड़, जलगांव, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अम्बाला, पठानकोट से होते हुए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचेगी और यहीं पर यात्रा को समाप्त होना है।